स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका फ्री स्टडी बाय लोधी सर के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं मध्य प्रदेश के बारे में, मध्य प्रदेश जीके। आप मध्य प्रदेश लेवल का कोई भी एग्जाम देते हो, चाहे वो एमपीपीएससी हो या एमपी पुलिस, एसआई, पटवारी आदि सभी प्रकार के एग्जाम्स में मध्य प्रदेश के प्रमुख समारोह या उत्सव यहां से प्रश्न आते हैं। और यहां से केवल प्रश्न कैसे आते हैं, केवल इतना ही पूछा जाता है कि कौन सा उत्सव या कौन सा समारोह का आयोजन कहां होता है, केवल इतना ही आता है। इस पर हमारा ये फर्स्ट वीडियो है। अगला जो सेकंड वीडियो होगा इसका हमारा, उसमें हम आपको ये भी बताएंगे कि कौन सी संस्था इसका आयोजन करती है, कब से इसका आयोजन किया जा रहा है, कितने दिन आयोजन चलता है और यहां पर इन आयोजनों या उत्सवों में कौन कौन से कार्यक्रम संपन्न करवाए जाते हैं। ठीक है, इसके पहले आप प्लेलिस्ट में जाके हम मध्य प्रदेश के मेले, मध्य प्रदेश की जनजातियां, मध्य प्रदेश के उद्योग, मध्य प्रदेश का पुनर्गठन आदि मध्य प्रदेश से संबंधित कई वीडियो आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हो। तो आइए दोस्तों, प्रारंभ करते हैं मध्य प्रदेश के प्रमुख उत्सव और समारोह, किन का आयोजन कहां होता है। एक बात और, यदि आप हमारे वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर लें, बेल के आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। नहीं करना है तो नहीं करें, कोई बात नहीं, देखें। तो सबसे पहले तो हमें दो अंतर समझना है। एक तो हमें समझना है मध्य प्रदेश उत्सव और मध्य प्रदेश समारोह में अंतर समझना है। एक चीज समझ में आ रही है कि यदि समारोह है तो बहुत जगह दूर दूर से व्यक्ति आएंगे। समारोह मतलब बहुत बड़ा कार्यक्रम, और उत्सव मतलब आप समझो कि त्योहार है, तो त्योहार तो हम घर में ही मना सकते। लेकिन यदि हम कोई समारोह का आयोजन करते हैं तो बहुत दूर दूर से हम अपने रिश्तेदारों को बुलवाते हैं। इतना यदि आप समझ पा रहे होंगे तो इनमें डिफरेंस क्या है बच्चों, कि मध्य प्रदेश उत्सव जो है, मध्य प्रदेश उत्सव भोपाल में मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष मध्य प्रदेश स्थापना दिवस 1 नवंबर को मध्य प्रदेश उत्सव मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में मनाया जाता है और यह 7 दिन चलता है। 1982 से इसकी शुरुआत होना है। लेकिन यदि हम कहें कि मध्य प्रदेश समारोह, तो ध्यान रखो मध्य प्रदेश समारोह दिल्ली में मनाया जाता है, क्योंकि यही तो हम आपसे कह रहे थे कि समारोह यदि है तो बहुत जगह से लोग आएंगे। अब दिल्ली भारत की राजधानी है तो कई प्रांतों के लोग यहां पर आएंगे, तो मध्य प्रदेश समारोह जो है इसका आयोजन दिल्ली में होता है और ये भी 1 सप्ताह तक चलता है। ठीक है, यहां जैसे हम कहें मध्य प्रदेश उत्सव, तो यहां कार्यक्रम क्या होते हैं, मध्य प्रदेश उत्सव में कई प्रकार के कार्यक्रम होते हैं। मध्य प्रदेश के जितने भी मालवांचल है, निमाड़ है, बघेलखंड है, छत्तीसगढ़ है, यहां सभी जगह से कुछ झांकियां भी सजाई जाती हैं, नृत्य भी होता है, वादन भी होते हैं, मेले भी लगते हैं, ऐसे रंगारंग कार्यक्रम भी होते हैं, बहुत सारे कार्यक्रम ये उत्सव में होता है। ठीक इसी प्रकार से मध्य प्रदेश समारोह में भी पूरे मध्य प्रदेश के जितने भी मध्य प्रदेश के पार्ट्स हैं, जितने भी हिस्से हैं, पूरे मध्य प्रदेश के से बहुत लोग यहां पर आते हैं अपने अपने कार्यक्रमों को। नृत्य होता है, संगीत होता है, वादन होता है, गायन होता है, मेले लगते हैं, बहुत सारे कार्यक्रम मध्य प्रदेश समारोह के दौरान होते हैं। ये भी 1 सप्ताह तक चलता है। तो ये आप मध्य प्रदेश उत्सव मध्य प्रदेश समारोह में अंतर आप समझ जाना। ठीक है, समझ गए, उत्सव कहां होगा भोपाल में और समारोह कहां होगा दिल्ली में। फिर हम चलते हैं कालिदास समारोह। तो जैसा कि आपको पता होगा कालिदास के बारे में, कालिदास नवरत्न थे, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जो गुप्त वंश के महान शासक हुए हैं, इनने अपनी राजधानी उज्जैन में बनाई थी, अवंतिका में। उन्हीं के नवरत्नों में से एक रत्न जो थे वो कौन थे, कालिदास। तो यदि आपको यह पता है कि उज्जैन के चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वितीय के नवरत्नों में से एक थे, तब आप खुद बता सकते हो कि कालिदास समारोह का आयोजन उज्जैन में होता है। ठीक है, यहां साहित्यकारों को, कवियों को यहां बुलाया जाता है, कवि सम्मेलन होते हैं, अन्य कई कार्यक्रम यहां पर होते हैं और कालिदास समारोह उज्जैन में होता है। और 1957 से ये कालिदास समारोह चल रहा है। तो यदि हम ये कहें कि मध्य प्रदेश की स्थापना 1956 में हो गई थी, तो सबसे पुराना यदि हम कहें, तो सबसे पुराना या सबसे प्राचीन यदि कोई उत्सव या समारोह मध्य प्रदेश में होता है तो वह है कालिदास समारोह। ठीक है,
उज्जैन में होता है, 1957 में से इसकी शुरुआत हुई थी। और कालिदास अकादमी, कालिदास साहित्य अकादमी भी कहाँ है, वही है उज्जैन में, ठीक है। ये भी कितने दिन चलता है, 7 दिन चलता है। अब यहां हमने एक ट्रिक लिख रखी है दोस्तों, और वो ट्रिक क्या है, ऐसे सभी समारोह की ये ट्रिक है जिनका आयोजन उज्जैन में होता है। अभी इस वीडियो में हम इतना ही बताएंगे कि कौन से समारोह का आयोजन कहाँ होता है, फिर इन समारोहों के बारे में जो 2 नंबर का इसका अगला वीडियो रहेगा उसमें हम आपको बता देंगे। तो हम देखते हैं, यहां एक ट्रिक लिख रखी है, टेपा काली का माल उज्जैन में मिलता है। आप याद रख लेना, टेपा काली का माल उज्जैन में मिलता है। यदि आप इतना याद रखते हो तो ये उज्जैन में आयोजित होने वाले समारोह हैं। टेपा समारोह माल से बनेगा, देखो टेपा समारोह काली से बनेगा, कालिदास समारोह माल से बनेगा, मालवा समारोह, और ये कहां होते हैं, उज्जैन में, ठीक है स्टूडेंट्स। टेपा काली का माल उज्जैन में, तो टेपा समारोह, कालिदास समारोह, मालवा समारोह का आयोजन कहां होगा, मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में होगा। अब हम देखते हैं यहां अगला क्रमांक लिखा है, खजुराहो नृत्य समारोह या खजुराहो नृत्य महोत्सव। जैसा कि आपको पता होगा, काम कला की नगरी, शिल्प कला तीर्थ हम खजुराहो को कहते हैं। खजुराहो मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के अंतर्गत आता है, ठीक है। चंदेलों ने यहां पर शासन किया, चंदेलों की राजधानी थी, चंदेल वंश की राजधानी थी खजुराहो और महोबा। तो हम खजुराहो के बारे में समझ लेते हैं। खजुराहो नृत्य समारोह जो है, ये खजुराहो में इसका आयोजन होता है छतरपुर में। मध्य प्रदेश कला परिषद इसका आयोजन करवाती है, मध्य प्रदेश कला परिषद द्वारा इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। 1976 से इस कार्यक्रम का प्रारंभ हुआ, प्रतिवर्ष इसका आयोजन होता है, ठीक। और इस यदि हम इसे कहें तो शास्त्रीय नृत्य शैली का मतलब, यहां नृत्य पूरे भारत, मध्य प्रदेश नहीं, पूरे भारत से शास्त्रीय जो क्लासिकल डांसेस होते हैं, शास्त्रीय जो नृत्य होते हैं, इनसे संबंधित जो कलाकार हैं ये यहां पर आके अपनी प्रतिभा को सबके सामने रखते हैं, दिखाते हैं। पूरे भारत से कलाकार यहां पर आते हैं। ये यदि हम कहें खजुराहो नृत्य समारोह, तो ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा नृत्य समारोह है। मध्य प्रदेश का ही नहीं दोस्तों, ये खजुराहो नृत्य समारोह पूरे भारत का सबसे बड़ा नृत्य समारोह है। इतने बड़े नृत्य समारोह का आयोजन भारत के और किसी भी राज्य में नहीं होता, यही हमने यहां बताया है। शास्त्रीय नृत्य शैली का ये सबसे बड़ा कार्यक्रम है। भारत का सबसे बड़ा नृत्य समारोह कहाँ होता है, नृत्य मतलब डांस का, कहाँ होता है, खजुराहो। आगे हम देखते हैं, इतना ही पर्याप्त है। तानसेन समारोह, तो जैसा कि आपको पता होगा कि तानसेन जो थे ये कहां से थे, ये ग्वालियर से थे, कालपी के आसपास के गांव से तानसेन संबंध रखते थे। अकबर के 9 रत्नों में से एक रत्न थे तानसेन, कहना चाहिए कि विख्यात वादक भी थे और गायक भी थे तानसेन। राग मल्हार मियां के जनक थे, राग दीपक गाते समय इनकी डेथ हो गई थी तानसेन की। इनके गुरु का नाम था बाबा हरिदास, और बहुत सारी जानकारी, ठीक है। तो तानसेन समारोह का, अब चूंकि हमें पता है कि तानसेन जो की जो समाधि है, तानसेन की समाधि कहाँ है, तो ये ग्वालियर में है। तानसेन की समाधि कहाँ है, तानसेन की समाधि ग्वालियर में है। तो तानसेन समारोह का आयोजन ग्वालियर में होता है, और तानसेन समारोह का आयोजन प्रतिवर्ष होता है 1980 में, सॉरी 1980 से तानसेन समारोह का आयोजन ग्वालियर में किया जा रहा है। ग्वालियर में उनकी समाधि के पास में ही यह कार्यक्रम आयोजित होता है। क्या होता है यहाँ, शास्त्रीय संगीत, क्लासिकल म्यूजिक जो है इसका, ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा समारोह है, सबसे प्रतिष्ठित समारोह है शास्त्रीय संगीत का। इसका आयोजन कौन करता है, क्योंकि यहाँ शास्त्रीय कलाकार आते हैं, तो मध्य प्रदेश कला परिषद इसका आयोजन करवाती है। और तानसेन समारोह भी प्रत्येक वर्ष यहीं पर दिया जाता है। तो तानसेन समारोह ग्वालियर में, यही तानसेन पुरस्कार मिलेगा। मध्य प्रदेश कला परिषद इसका आयोजन करेगी। 1980 से ये चल रहा है। तानसेन की समाधि ग्वालियर में है, उन्हीं की समाधि के पास इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। आगे हम देखते हैं, यहां लिखा है अलाउद्दीन खां संगीत समारोह। यहां पर लिखा है अलाउद्दीन खां संगीत समारोह। तो जैसा कि आपको पता होगा कि अलाउद्दीन खां जो थे ये म्यूजिशियन थे, मतलब ये वादक थे, और इनने मैहर बैंड की स्थापना की थी मैहर में। कभी कभी तो एग्जामिनर आपसे केवल इतना ही पूछ लेता है कि मैहर बैंड की स्थापना किसने की,
तो मैहर बैंड की स्थापना बाबा अलाउद्दीन खान ने की। कहाँ की? मैहर में की। बैंड क्या कहलाता है? ये बहुत सारे जो म्यूजिशियंस होते हैं, म्यूजिक बजाने वाले, इनके ग्रुप को हम बैंड कहते हैं। कोई कुछ बजाता है, कोई कुछ बजाता है, उस पूरे समूह को हम बैंड कहते हैं। तो मैहर बैंड की स्थापना बाबा अलाउद्दीन खान ने की थी। और मैहर पहले सतना के अंतर्गत आता था, अब मैहर खुद जिला है, तो हम कह सकते हैं कि ये मैहर जिले में, क्या मैहर में ही इसका आयोजन किया जाता है। ठीक है, हालांकि अलाउद्दीन खान जो अकादमी है ये बदल गई है, ये भोपाल में है वर्तमान में। ठीक है, लेकिन अलाउद्दीन बैंड की स्थापना बाबा अलाउद्दीन ने कहाँ की थी? मैहर में की थी। तो ये जो अलाउद्दीन खान संगीत समारोह है ये मैहर में ही होता है, आप समझ गए होंगे। और चूंकि संगीत समारोह है, मतलब संगीतज्ञ यहाँ पर भाग लेते हैं समारोह के दौरान। अब हम चलते हैं, तो यहां 9 क्रमांक पे लिखा है मालवा उत्सव। क्या लिखा है? मालवा उत्सव। ठीक है, तो यहां भी हमने आपको बताया था मालवा समारोह या मालवा उत्सव उज्जैन में भी होता है, पर आप ध्यान रखना मालवा उत्सव 3 जगह पर होता है। उसकी हमने ट्रिक बताई है, आप इस ट्रिक को याद कर लेना। ट्रिक है माई जैन माल दो, मतलब मेरे जैन। कोई दुकानदार के यहाँ गया है, जैन की दुकान पे कोई ग्राहक गया है और कह रहा है मेरे जैन माल दो, मतलब माई जैन माल दो। यहां से आप याद रख सकते हो, इस माँ से बनेगा मांडू। क्या बनेगा? मांडू, मतलब मालवा उत्सव मांडू में भी होता है। फिर यहां लिखा है ई, ई से बनेगा इंदौर। मालवा उत्सव का आयोजन इंदौर में भी होता है। और फिर यहां लिखा है जैन, जैन से बनेगा मालवा उत्सव का आयोजन उज्जैन में भी होता है। और यहां लिखा है माल, मतलब मालवा उत्सव। ठीक है, तो कितने जगह होता है? 3 जगह होता है मालवा उत्सव। ठीक, कहां कहां? मांडू, इंदौर और उज्जैन। यहां पर क्या किया जाता है? यहां पर क्या किया जाता है? मालवी शैली, यहां देख नहीं रहा होगा आपको, समझ जाना, मालवी शैली के नृत्य और हस्तलिपि के मेले यहां पर मालवा उत्सव के दौरान लगाए जाते हैं। स्टूडेंट्स आगे हम देखते हैं, फिर आ जाए हम, यहां 10 क्रमांक पे लिखा है ओरछा उत्सव। जैसा कि आपको पता है कि ओरछा में तो हाँ, हालांकि राम राजा का बहुत विख्यात मंदिर है ओरछा, इसके पहले टीकमगढ़ जिले में आता था, लेकिन टीकमगढ़ जिले से अलग होकर निवाड़ी नया जिला बना। तो अब वर्तमान में ओरछा किस जिले के अंतर्गत आता है? निवाड़ी जिले के अंतर्गत आता है। ठीक है, ओरछा याद हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं। ओरछा किस जिले के अंतर्गत आता है? निवाड़ी जिले के अंतर्गत आता है। ठीक है, या यहां लिखा है छाड़ी, लास्ट लास्ट की वर्ड आप ले लेना, या अपन कहते हैं यार जो निवाड़ी, निवाड़ जो है, निवाड़ जो है जो, और छाओ मतलब और घनी करो, निवाड़ पलंग पे ऐसे करके, ऐसे भी आप याद रख सकते हैं। ओरछा उत्सव कहाँ होता है? ओरछा में आयोजन होता है, निवाड़ी जिले के अंतर्गत आता है। तो या तो आप ओरछा उत्सव ओरछा लिखाएगा या फिर निवाड़ी लिखाएगा। ठीक है, क्या होता है यहाँ? बुंदेलखंड के जो प्रमुख कलाकार हैं, बुंदेलखंड मतलब वही सागर, टीकमगढ़, छतरपुर, ठीक है, बुंदेलखंड के कलाकारों द्वारा गायन, वादन और नृत्य, मतलब गाना बजाना और डांस वगैरह यहां पर आयोजन किया जाता है ओरछा उत्सव के दौरान। ठीक है, आगे हम चलते हैं निमाड़ उत्सव। और निमाड़ उत्सव जो है इसमें होता क्या है? परंपरागत निमाड़ी कला, परंपरागत निमाड़ी कला का प्रदर्शन यहां पर होता है निमाड़ उत्सव के दौरान। जैसा कि आपको हम बता चुके हैं पहले वीडियो में कि निमाड़ क्या कहलाता है। ठीक है, तो ये हरदा है, होशंगाबाद है, बड़वानी है, खरगोन है, खंडवा है, ये वाला जो क्षेत्र है ये मध्य प्रदेश में निमाड़ के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो यहां हमें याद ये रखना है कि निमाड़ उत्सव भी 3 जगह होता है। यदि आप एक ट्रिक याद रखते हो, वो ट्रिक क्या है? ट्रिक ऐसी है, निमाड़ के बड़े खूंखार लोग होते हैं, यदि आप इतना याद करते हो, निमाड़ के बड़े खूंखार। ठीक है, निमाड़ के बड़े खूंखार, यदि आप इतना याद करते हो तो यहां हमें याद बन जाए, याद हो जाएगा कि निमाड़ उत्सव निमाड़ में तो होना है। मतलब निमाड़ कोई क्षेत्र नहीं है अलग, मतलब कुछ पर्टिकुलर कोई स्थान नहीं है निमाड़, निमाड़ के अंतर्गत ये कुछ जिले आते हैं। तो यहां आपको याद रखना है बड़े से बनेगा बड़वानी, निमाड़ उत्सव बड़वानी में भी होता है। फिर यहां एक खा से बनेगा खरगोन और एक खा से बनेगा खंडवा। जहां खरगोन आता है खंडवा तो आता है, सुनहरे जिले है मध्य प्रदेश के, खरगोन खंडवा अफीम गांजा उत्पादक। ठीक,
निमाड़ उत्सव कहां होगा? निमाड़ के बड़े खूंखार, ऐसा आप याद रखना। ये माड़ वगैरह पीते हैं तो वैसे ही खूंखार होते हैं, ताकत इनमें ज्यादा, ऐसे याद रख लेना। ठीक है, फिर हम चलते हैं। कुछ समारोह ऐसे लिखे हैं, अभी यहां भोपाल की ट्रिक है, इंदौर की ट्रिक है, बाकी यहां कुछ उत्सव ऐसे लिखे जिनकी ट्रिक नहीं है, पर हम आपको बता देंगे ट्रिक कैसे आपको बनाना है। फिर यहां पर लिखा है पद्माकर समारोह, तो पद्माकर एक साहित्यकार थे और पद्माकर जो साहित्यकार थे ये सागर से रिलेटेड होते हैं, सागर इनका निवास स्थान था, पद्माकर नगर है सागर में, तालाब के किनारे बैठकर ये साहित्य की रचना, साहित्य का सृजन करते थे। तो पद्माकर समारोह का आयोजन कहां होता है? सागर में होता है। वैसे अपन कहते हैं कि पदम पखारता है सागर, भारत माता का पदम पखारता है सागर, या फिर ऐसा याद रखना, यहां रा लास्ट में है, यहां रा लास्ट में, पद्माकर सागर, जब भी आप कहें पद्माकर सागर, पद्माकर समारोह सागर में। फिर आपको पता होगा सुभद्रा कुमारी चौहान ये कहां की थी? जबलपुर की थी, जबलपुर में इनकी ससुराल थी, तो हम कह सकते हैं सुभद्रा कुमारी चौहान समारोह का आयोजन कहां होता होगा? जबलपुर में होता होगा। ये साहित्यकारों का, कवियों का ही सम्मेलन है, सुभद्रा कुमारी चौहान समारोह कहां होता है? जबलपुर में होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, और रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में पीठ भी स्थापित है इनके नाम पर। ठीक, फिर हम आगे देखते हैं, यहां लिखा है माखनलाल चतुर्वेदी समारोह का आयोजन कहां होता है? तो यह होता है खंडवा। अब यदि आप माखन लेने जाते हो किसी स्थान पे, तो डबा तो ले ही जाना पड़ेगा, नहीं ले जाओगे डबा ले जाओगे, तो माखनलाल चतुर्वेदी समारोह कहां आयोजित होता है? खंडवा में होता है स्टूडेंट्स। पर ये जो माखनलाल चतुर्वेदी थे ये खंडवा के नहीं थे, इनका जन्म स्थान होशंगाबाद बाबई था, लेकिन माखनलाल चतुर्वेदी समारोह का आयोजन खंडवा में होता है। खंडवा में एक आयोजन और होता है, किशोर कुमार, किशोर कुमार फिल्म अभिनेता है, गायक है, अभिनय भी करते हैं, करते थे, किशोर कुमार समारोह का आयोजन भी कहां आयोजित किया जाता है? खंडवा में। अब यदि माखन डबा में आप ला रहे हो और यदि वो डबा गिर गया तो शोर मचेगा, आसपास के सब देख लेंगे, यदि डबा गिर गया तो शोर मचेगा, तो किशोर कुमार समारोह इसका आयोजन भी कहां होगा? खंडवा में। फिर हम चलते हैं जनजाति फिल्म उत्सव, जनजाति फिल्म उत्सव का आयोजन भी कहां होता है? इंदौर में। वैसे अपन कहते हैं मध्य प्रदेश का, अपन कहते हैं मध्य प्रदेश का हॉलीवुड, ठीक है, तो मध्य प्रदेश का हॉलीवुड, बंबई को भारत का हॉलीवुड किसे कहते हैं? अपन बंबई को कहते हैं बॉलीवुड, मध्य प्रदेश का सॉरी भारत का बॉलीवुड मुंबई को कहते हैं। ठीक है, तो अब मुंबई, या हम कहते हैं कि मुंबई को फिल्म सिटी कहते हैं, ऐसे जोड़ना आप, और अपन कहते हैं कि मध्य प्रदेश का मुंबई इंदौर, या मिनी मुंबई इंदौर, तो यदि मध्य प्रदेश का मुंबई इंदौर को कहते तो इंदौर में भी फिल्म वगैरह हो रही होती, जैसे मुंबई में फिल्म बनती, भारतीय हिंदी की फिल्में फेमस कहां है? मुंबई में बनती, उसी प्रकार से अपने यहां जनजाति फिल्म उत्सव कहां मनाया जाता है? मिनी मुंबई माने इंदौर में, तो इंदौर से जोड़ लेना, फिल्म यदि शब्द लिखाओ तो वहां मुंबई और यहां इंदौर, कोई बड़ी बात नहीं है। इसके बाद में आओ तुलसी समारोह, तुलसीदास जी, अपन तुलसीदास जी के संदर्भ में दोहा कहते, चित्रकूट के घाट पर भई संतों की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक दीत रघुवीर, तो ये इनकी प्रतिमा भी वहां पर बनी है और यहीं बैठकर इनने रामचरितमानस का लेखन किया था। तो तुलसी समारोह का आयोजन कहां होता है? चित्रकूट में, वो चित्रकूट किस जिले के अंतर्गत आता है? सतना जिले के अंतर्गत। ठीक है, फिर हम चलते हैं बालकृष्ण शर्मा नवीन, इनकी उपाधि थी, साहित्यकार है ये भी, बालकृष्ण शर्मा नवीन समारोह का आयोजन कहां किया जाता है? मध्य प्रदेश के साजापुर जिले में, साजापुर नामक स्थान पर किया जाता है। बालकृष्ण शर्मा, आप इसको कैसे याद रखोगे? यदि आपकी साइकिल की जो पिन लगी होती है जिससे अपन हवा डालते हैं, यदि उसकी बाल खराब हो जाए तो वो सुधरती नहीं है, वो बाल साजी डालना पड़ती है। ठीक है, तो बालकृष्ण शर्मा नवीन साजापुर में समारोह आयोजित होता है। फिर यहाँ लिखा है भगोरिया उत्सव, ये भीलों का बहुत बड़ा उत्सव है भगोरिया, ये उत्सव भी है, एक बाजार भी है, एक मेला भी है, जो भी हम कहें, ये झाबुआ में इसका आयोजन होता है भगोरिया उत्सव का। तो ठीक है, अब कैसे याद करोगे? ऐसे कर लेना भगोरिया बुआ आ गई, या तो ऐसे कर लेना भगोरिया बुआ आ गई, बुआ खतरनाक, भगोरिया बुआ आ गई, या तो ऐसे कर लेना, या फिर यहां लिखा है क्या रिया लिखा है और यहां बुआ लिखा है, तो हाँ रिया किसी की बुआ हो सकती है, ऐसे भी आप इसको याद कर सकते हो। आगे हम देखते हैं गजरथ महोत्सव का आयोजन होता है गुना में, गजरथ महोत्सव का आयोजन होता है कहां? गुना में। इसको आप कैसे याद रखोगे कि भाई जो गज होता है, गज मतलब हाथी होता है, ये सामान्य जानवरों से कई गुना बड़ा होता है हाथी, ऐसे याद रख लेना। गजरथ महोत्सव का आयोजन कहां होगा?
गुना में होगा। फिर यहां लिखा है पचमढ़ी समारोह या पचमढ़ी उत्सव, तो पचमढ़ी उत्सव पचमढ़ी में ही होगा, पचमढ़ी ऑप्शन में नहीं आता तो पचमढ़ी होशंगाबाद जिले में, फिर यहां पर होशंगाबाद आएगा। फिर यहां लिखा है केशव जयंती समारोह, केशव जयंती समारोह केशव दास ओरछा से संबंधित थे, ओरछा राजघराने से, तो केशव जयंती समारोह का आयोजन कहां होगा, ओरछा में होगा। ठीक है, वैसे ही जो केस होते हैं, केस कई कई के केस बहुत बड़े बड़े हो तो अपन कहता है जी तो केस तो तुम्हारे ओरछा गए, मोई ढकन लगे, ऐसे करके याद कर लियो केशव जयंती समारोह ओरछा। फिर यहां लिखा है भोज समारोह, भोज समारोह धार में किया जाता है, वैसे ही आपको पता होगा कि धार या धारा नगरी जो शहर है मध्य प्रदेश का, धार शहर या धारा नगरी जिसको हम प्राचीन काल में कहते थे, धार शहर की स्थापना किसने की थी, राजा परमार वंश के प्रतापी शासक राजा भोज ने धार या धारा नगरी शहर बसाया था। यदि आपको इतना पता है तो भोज समारोह का आयोजन कहां होगा, धार में ही होगा। ठीक है, फिर हम चलते हैं पंडित कुमार गंधर्व, पंडित कुमार गंधर्व जो समारोह होता है इसका आयोजन कहां होता है, देवास में। पंडित कुमार गंधर्व समारोह का आयोजन कहां होता है, देवास में। इन्हीं शब्दों को स्टूडेंट्स पकड़ा करें, ये बहुत अच्छी ट्रिक होती है। यहां लिखा है गंध और यहां लिखा है बास, ये दोनों के स्त्रीनाम्स हैं, पर्यायवाची हैं, उसी को हम गंध कहते हैं, उसी को हम बास कहते हैं। ठीक है, तो जो गंध होती है वो बास देती है, या जो बास देता है उसमें कुछ गंध होती है। तो कुमार गंधर्व समारोह देवास में आयोजित होगा। फिर यहां लिखा है गजानन माधव मुक्तिबोध, हालांकि मुक्तिबोध लास्ट में ये उनकी उपाधि थी, गजानन माधव मुक्तिबोध, मुक्तिबोध समारोह का आयोजन होता है मध्य प्रदेश के भिंड शहर में। कहां होता है, भिंड शहर में गजानन माधव मुक्तिबोध का समारोह का आयोजन कहां होता है, भिंड शहर में। कैसे आप याद रखोगे, वैसे जो लोग भिंड वगैरह चले जाते हैं एक आध दो बार तो उनको वास्तव में सत्यता का बोध हो जाता है, सुनते हैं बड़े खतरनाक होते हैं यहाँ के आदमी भिंड साइड के, ठीक है, लड़ने भिड़ने में बहुत एक्टिव होते हैं, तो भिंड यदि जाओगे तो बोध हो जाएगा। तो मुक्तिबोध समारोह भिंड में हुआ। अब हमने यहाँ पर ट्रिक लिख रखी है, भोपाल में जिन समारोह का आयोजन होता है उसकी हमने पूरी एक ट्रिक लिख रखी है, ठीक है, और यहाँ सात समारोह जो है ये भोपाल में आयोजित होते हैं उसकी ट्रिक देख लेते हैं। ट्रिक कैसी है, मंगल को, मतलब दिन था कौन, मंगलवार, मंगल को रंगीन रामलीला में, रंगीन रामलीला चल रही थी वहां, मंगल को रंगीन रामलीला में ध्रुव व शेखर का विवाद भोपाल में हो गया। क्या कहोगे, मंगल को रंगीन रामलीला में ध्रुव व शेखर का विवाद भोपाल में हो गया, विवाद होते रहते भोपाल में, ठीक, किसी न किसी प्रकार के, ऐसे आप याद रख सकते। और विवाद कब होना है, मंगल को, किसका होना, ध्रुव शेखर का, कहां होना, भोपाल में, किस कार्यक्रम के दौरान होना है, रंगीन रामलीला में, ठीक है। यदि आप इतना याद रखते हो तो ये पूरे कार्यक्रम जो हमने लिखे समारोह उत्सव ये सब भोपाल में आयोजित होते हैं, ठीक है। सबसे पहले यहां लिखा है मंगल से बनेगा मंगलाचरण समारोह, मंगलाचरण समारोह। फिर यहां लिखा है रंगीन, रंगीन से बनेगा लोक रंग समारोह, ये लिखा रंग लोक रंग समारोह। फिर यहां लिखा है रामलीला, क्या लिखा है, हाँ रंगीन से एक और हिंदी नाट्य लोक रंग, फिर यहां लोक रंग लिखा है। फिर यहां लिखा है रामलीला, तो रामलीला में बनेगा राष्ट्रीय रामलीला उत्सव, ध्यान रखना यहां राष्ट्रीय भी है, राष्ट्रीय रामलीला उत्सव ये भी भोपाल में होगा, राष्ट्रीय रामलीला उत्सव। फिर यहां लिखा है ध्रुव, तो ध्रुपद, ध्रुपद समारोह भी कहां होगा, ये सब गायन वादन के हैं, ध्रुपद समारोह भी भोपाल में होगा। फिर यहां लिखा है शेखर, तो शेखर से बनेगा राजशेखर समारोह भी भोपाल में होगा। और फिर यहां पर लिखा है विवाद, ठीक है, तो विवाद से बनेगा दुर्लभ वाद्य विनोद समारोह, इसको विवाद समझ लेना, वाद को विवाद, वाद विवाद, विनोद लिखा है भले पर वाद विवाद समझना, तो दुर्लभ वाद्य विनोद मतलब कई प्रकार के यंत्र जो म्यूजिशियन होते हैं, यहाँ कई प्रकार के म्यूजिक के जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, उपकरण होते हैं, इनको बजाते हैं यहाँ पर, ठीक है, दुर्लभ वाद्य विनोद समारोह, ये कहां होता है, भोपाल। दोस्तों आगे देखते हैं, तो आगे हमने यहां पर ये आप समझ गए होंगे ये भोपाल के समारोह के साथ, अब इंदौर में जो समारोह आयोजित होते हैं इनकी ट्रैक भी बना रखी है, उसकी ट्रैक में आपको केवल एक लाइन याद रखना, इस दौर में अमीर लताही चक्र धरेंगी। देखो स्टूडेंट्स इतना तो आपको याद होने करने की आप में कैपेसिटी क्षमता आप में होनी चाहिए यदि आप इतना याद करते हो तो,
ज्यादा कोई बड़ी ट्रिक नहीं है, तो क्या कहोगे? इस दौर में अमीर लताही चक्र धरेगी, वहां कोई कार्यक्रम हो रहा है तो कोई चक्र वहां पर स्थापित किया जाना है, तो अमीर लोग ही रखेंगे, तो अमीर लता जी ही वहां पर चक्र धरेंगी। ठीक है, ऐसे आप याद इसको कर सकते हो। तो यहां से क्या बनेगा, यहां से बनेगा दौर शब्द से समझ जाना आपकी, इंदौर लिखा है और फिर यहां लिखा है अमीर, तो ये अमीर खां सितार वादक थे, अमीर खां शब्द यदि लिखा है तो अमीर खां उत्सव इंदौर में होगा। फिर यहां लिखा है लता, तो लता मंगेशकर जी का समारोह का आयोजन भी इंदौर में होगा, इंदौर की ही थी ये। और फिर यहां लिखा है चक्र धरेंगी, चक्र धरेंगी से बनेगा चक्रधर समारोह का आयोजन भी इंदौर में होगा। तो तीन समारोह का आयोजन इंदौर में होगा और एक वो फिल्म समारोह होगा जनजाति, चार हो जाएंगे, अमीर खां उत्सव, लता मंगेशकर समारोह और चक्रधर समारोह का आयोजन कहां होगा, इंदौर में होगा। ठीक है, वैसे ही अमीर लोग इंदौर में रहते होंगे, बहुत व्यवसायी लोग यहां रहते हैं, व्यवसायिक राजधानी है इंदौर मध्य प्रदेश की। फिर हम चलते हैं तो भवभूति समारोह, भवभूति ये साहित्यकार थे, भवभूति समारोह का आयोजन कहां होता है, ग्वालियर में होता है। वैसे ही ग्वाले, ग्वाले कौन थे, अपने भगवान श्री कृष्ण, इनको एक मतलब ग्वाला परिवार में इन्हें जन्म लिया था। तो कुछ लोग क्या करते हैं, जो झाड़फूंक का आदि विश्वास रखते हैं, वो कहते हैं कि यार ये भवभूत, भवभूति मतलब भवभूत समझना, कि ये भवभूत भगवान श्री कृष्ण के नाम पर, ग्वाले के नाम पर भवभूत दे देते हैं, खा लेते हैं तो उनको आराम हो जाता, ऐसे आप याद रखना। भवभूति समारोह ग्वालियर में आयोजन किया जाता है। फिर हम कहें मध्य पर्व समारोह, मध्य पर्व समारोह का आयोजन कहां होता है, मध्य पर्व समारोह का आयोजन भोपाल में होता है, रह गया था, ज्यादा कुछ आपको दिमाग नहीं लगाना, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है, तो जहां मध्य आ जाए वहां आपको भोपाल ही कह देना है। इसके बाद दोस्तों कई समारोह ऐसे हैं, जैसे पुस्तक मेले, कबीरदास समारोह, शंकर समारोह, मध्य प्रदेश संगीत समारोह, इनका आयोजन फिक्स नहीं होता है, इनका आयोजन मध्य प्रदेश के कई जिलों में किया जाता है। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। स्टूडेंट्स, आप हमसे जो चाहते हो, मैथ्स हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे बाल विकास हो, चाहे चाइल्ड डेवलपमेंट हो, चाहे पेडागोजी हो, शिक्षक भर्ती परीक्षा का कोई कंटेंट हो, कोई सब्जेक्ट हो, या रीजनिंग या मैथ्स, आप जो भी हमसे चाहते हैं, तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखें कि हम अगला वीडियो किस सब्जेक्ट में, किस टॉपिक का अपलोड करें, हम आपके कमेंट ध्यान से पढ़कर उस पर वीडियो अपलोड कर देंगे। धन्यवाद।